शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा आंदोलन पहल की शुरुआत की और नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए लोगों से संवाद भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के लिए सेवा को ईश्वर की सेवा के समान बताते हुए कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में पिछले 4 वर्ष में जितना काम हुआ है उतना पिछले 60 वर्ष में नहीं हो पाया। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को चुनाव के मद्देनजर अलग अलग कमेटियों की जिम्मेदारी तय की। कांग्रेस अध्यक्ष ने वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को घोषणा पत्र कमेटी का चेयरमैन बनाया है। वहीं इस कमेटी के संयोजक राजीव गौड़ा होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शनिवार को तेलंगाना के दौरे पर राजधानी हैदराबाद पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं और तेलंगाना के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हर सीट पर भाजपा मजबूती के साथ लड़ेगी, जबकि दूसरी तरफ आरक्षण के मामले में भी खुलकर अपनी बात रखी। अमित शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तेल कीमतों पर घिरी मोदी सरकार और डॉलर के प्रति कमजोर होते रुपयों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था पर समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर काफी ज्यादा है और दूसरे देशों की तुलना में भारत में महंगाई काबू में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संघ के बुलावे पर जाने से साफ इनकार कर दिया है। अखिलेश ने इसके पीछे की वजह सरदार पटेल द्वारा संघ पर बैन लगाना बताया है। अखिलेश ने कहा है कि मैं आरएसएस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं। मैंने सिर्फ इतना पढ़ा है कि सरदार पटेल ने इन पर बैन क्यों लगाया था। केरल की नन के साथ रेप मामले में मिशनरीज ऑफ जीजस संस्था से क्लीन चिट मिलने के एक दिन बाद जालंधर के बिशप फ्रैंको मुलक्कल ने अपने पद से अस्थायी रूप से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि वह इस पूरे मामले में पाक साफ होकर निकलेंगे। लड़ाकू विमान क्रैश होने को लेकर वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने बड़ा खुलासा किया है। एयर चीफ बीएस धनोआ ने इन हादसों के लिए सोशल मीडिया को जिम्मेदार बताया। वायुसेना प्रमुख का कहना है कि पायलट सोशल मीडिया पर इतने बिजी होते जा रहे हैं कि उनकी नींद समय पर पूरी नहीं हो पा रही है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए डाले गए वोटों की मतगणना रोक दी गई है। आरोप है कि एबीवीपी के लोगों ने मतगणना में बाधा पहुंचाई है। चुनाव समिति के मुताबिक मतगणना को फिलहाल रोक दिया गया है। समिति के मुताबिक कुछ लोग मतगणना केंद्र पर पहुंचे और बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर को छीनने का प्रयास किया। शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के दामों में फिर कुछ पैसों की बढ़ोतरी की गई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दामों में 35 पैसे और डीजल में 24 पैसे की वृद्धि की गई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 81.63 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 73.54 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। एशियाई क्रिकेट के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प माने जाने वाले एशिया कप टूर्नामेंट का शनिवार से आगाज हो गया है। एशिया कप का उद्घाटन मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है। वहीं भारत की बात करें तो एशिया कप में भारतीय टीम का अभियान 18 सितंबर को हांगकांग के खिलाफ मैच से शुरू होगा।